hello everyone this side monica yadav i am going to teach you 8th class geography lesson 1 resources this one is the second part of this chapter on the basis of origin resources are classified into two categories abiotic or biotic abiotic resources abiotic resources are non living resources like soil rocks minerals these are abiotic resources. Biotic resources. Biotic resources are living resources like plant, animal, man. On the basis of uh, renewability, Resources are classified into two categories renewable resources, non renewable resources. Renewable resources are those which get renewed or replenished quickly. Some of these are unlimited and are not affected by human activities, such as solar and wind energy. Uh, नवीनीकरण संसाधन उन्हें कहते हैं जिनको दोबारा बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता और वो इतनी मात्रा में अर्थ पे उपलब्ध होते हैं कि मनुष्य के द्वारा उनका प्रयोग करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता जैसे सोलर ऊर्जा है उसका मनुष्य चाहे कितना ही प्रयोग कर ले परंतु वो अनलिमिटेड मात्रा में अर्थ पे है परंतु कुछ रिजनेबल सोर्सेज ऐसे भी होते हैं जिनको हमें केयरफुली यूज़ करना चाहिए जैसे वाटर सोइल और फॉरेस्ट ये है अनलिमिटेड मात्रा में है और रिन्यूएबल भी है परंतु इनको हमें केयरफुली यूज करना चाहिए जैसे पानी है पानी रिन्यूएबल है परंतु लगातार यूज करने से जो अर्थ के सरफेस पे जो वाटर था उसकी कमी आ रही है ओशन में तो उतना ही है बट अर्थ के सरफेस पे कमी आ रही है और ड्रिंकिंग वाटर ले, का लेवल डाउन होता जा रहा है रिसोर्सेस नॉन रिनेबल रिसोर्स विच हैव लिमिटेड स्टॉक इफ द स्टोक आर एगजस्टेड इट मे टेक थाउजेंड ऑफ यर फॉर दैम टू रीन्यू लाइक पेट्रोल और कॉल एन नवीनीकरण संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनका भंडारण सीमित है अगर वो एक बार खत्म हो गए तो उनको दोबारा निर्माण होने में हजारों वर्ष लग जाता है जैसे पेट्रोल पेट्रोल हम यूज कर रहे हैं परंतु तो जब वो ख़त्म हो जाता है तो उसको बनने में हजारों साल लगते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इन टू टू कैटेगरीज यूबिक्वेटस और लोकलाइज यूबिक्वेटस रिसोर्सेज आर दैट विच आर फाउंड एवरीवेयर लाइक एयर लोकलाइज रिसोर्स आर दोज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टन प्लेसेज एज कोपर आयरन और संसाधन कहाँ के कहाँ पर है किस लोकेशन है इसके डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग दो टाइप्स के होते हैं यूबिक्वेटस और लोकलाइज यूबिक्वेटस का वो होते हैं जो हर कहीं उपलब्ध है जैसे एयर हर जगह पर हमें एयर प्राप्त होती है लोकलाइज्ड क्या होते हैं कुछ सर्टन मतलब कुछ ही इलाकों में ऐसे रिसोर्सेज पाए जाते हैं उन रिसोर्सेज को लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहते हैं जैसे आयरन और आयरन और के लिए स्पेशल जगह होती है जहाँ पर वो मिलता है कॉपर कॉपर हर जगह नहीं मिलता इसलिए इनको लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहा जाता है के द्वारा बनाए गए समटाइम नेचर सब ओनली वैन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बिन चेंज्ड आयरन और पॉज नोट रिसोर्सिल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट कुछ कुछ प्राकृतिक साधन तभी रिसोर्स बन पाते हैं जब उनकी ओरिजिनल ओरिजिनल फॉर्म को चेंज किया जाता है ये काम मनुष्य करते हैं मनुष्य जैसे कि नीचे से ऑयल होता है वो पेट्रोलियम जो होता है उसमें से पेट्रोल निकालता है ग्लिसरीन निकालता है गैसेस उसमें से फिल्टर करता है तब जाके हमें पेट्रोल यूज़ करने के लिए मिलता है तो इस प्रकार से मनुष्य जैसे आयरन और तब तक रिसोर्स था ही नहीं जब तक मनुष्य ने उसमें से आयरन निकालना नहीं सीख लिया था अर्थात तब वो रिसोर्स तब बनता है जब मनुष्य ने उसमें से आयरन निकालना सीख लिया था ब्रिज रोड व्हीकल्स टेक्नोलॉजी और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज ये सभी मनुष्य ने बनाए हैं मनुष्य नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग करके ये बनाता है तो ये वाले रिसोर्सेज मेन मेड रिसोर्सेज कहलाते हैं रोड हुआ ब्रिज हुआ टेक्नोलॉजी हुई ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन बीइंग आर अ स्पेशल रिसोर्स दे कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स मनुष्य जो है मनुष्य खुद एक रिसोर्स है एक स्पेशल तरह का रिसोर्स है जो बहुत से प्राकृतिक वस्तुओं से अच्छे अच्छे रिसोर्स बनाता है मनुष्य अपनी नॉलेज का उपयोग करके अपनी एबिलिटी का उपयोग करके बहुत सी अच्छी चीज़ें बनाता है तो मनुष्य एक स्वयं ही एक रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट लेट्स टॉक अबाउट इट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल सो दैट दे के दे कैन क्रिएट मोर रिसोर्सिस इज नॉन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मनुष्य में ऐसी क्वालिटियाँ का विकास करना कि वो बहुत अच्छे से और रिसोर्स बना सके ये ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट कहलाता है रिसोर्स कंजर्वेशन यूजिंग रिसोर्स केयरफुल एंड गिव देम टाइम टू गेट रिनील्ड रिसोर्स कंजर्वेशन संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाए मतलब उनको संभाल के कैसे रखना चाहिए तो उन संसाधनों को एक तो हमें केयरफुली यूज़ करना चाहिए और इतना टाइम हमें देना चाहिए कि वो न्यूड हो जाए जैसे कि हमें पता है कि पेट्रोल को बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगती हैं तो इसका हमें केयरफुली यूज़ करना चाहिए अगर हम इतना रैपिडली इसको यूज़ करेंगे तो जितने भी हमारे पास पेट्रोलियम के रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे बीच में एक ऐसा टाइम आएगा कि उस जनरेशन के पास पेट्रोलियम नाम की चीज़ नहीं होगी क्योंकि वो थाउजेंड ऑफ ईयर लग लेता है बनने के लिए इसलिए हमें रिसोर्सेज का प्रयोग केयरफुली करना चाहिए और उनको बनने में टाइम देना चाहिए बनने के लिए टाइम देना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो ये कि बैलेंस करके चलना चाहिए जैसे कि नीड के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को बैलेंस करना चाहिए और उनको हमारे फ्यूचर के लिए संभाल के रखना चाहिए इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है होप यू ऑल गुड स्टे एट होम स्टे हेल्थी स्टे हैप्पी बाय बाय स्टूडेंट